सो so, आज हम बनाने वाले हैं डोरी पाइपिंग डोरी पाइपिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डोरी ले ली है ये आपको कोई भी शॉप पे मिल जाएगा लाइक like, अगर आप फैब्रिक जहाँ पे लेते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा लेसिस के शॉप पे भी मिल जाएगा यहाँ पे मैंने शिफोन का फैब्रिक लिया है ये जॉर्जेट टाइप का दिख रहा है बट शिफॉन का है यहाँ पर मैंने दो फुट वाला ही लिया है सिंगल फुट वाले पर मैं नहीं बनाऊँगी डबल फुट वाले पे ही बनाऊँगी डबल फुट वाले पर डोरी बनाना बहुत ही ईजी होता है ऐसा लगता है डबल फुट वाले पर नहीं बनता बट बहुत अच्छे से बन सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते मैंने फैब्रिक के बीच में रख लिया मतलब मेरे शिफॉन का जो मैंने फैब्रिक कट किया था स्ट्रेट उसके बीच में रखा है एंड मैं अपनी उंगलियों से इसे प्रेस करती जाऊंगी आप ये देख सकते हैं किस तरीके से प्रेस करूंगी एंड जो फुट के बीच का आप गैप देख सकते हैं उस गैप के बीच में मैं यहाँ पर सिलाई चलाने वाली हूँ सो सिंगल फुट जरूरी नहीं सिंगल फुट में ही आप बना सकते हो डोरी पाइपिंग डबल फुट में भी आप इजीली बना सकते हो जिसको चाप भी कहा जाता है अगर आपको फुट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ इसको चाप कहा जाता है मशीन का एक चाप वाला या दो चाप वाला ऐसा कुछ कहा जाता है बट मुझे जहाँ तक पता है ऐसा फुट कहा जाता है सो so, यहाँ पे मैंने डबल फुट वाले का ही यूज़ किया जो नॉर्मल मशीन्स में यूज़ करते हैं बट मैंने बहुत लोगों को देखा है वो सिंगल वाले पे भी बनाते हैं बट सिंगल वाले से अच्छा डबल वाले पर बैठता है क्योंकि यहाँ पर आप बीच में रख के सिलाई चलाते हो तो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है आप ये देख सकते हैं वीडियो में कितनी अच्छी तरह से हुआ है सो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया है आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट कर के बताइए वीडियो को आप जल्दी से शेयर भी कर दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को आप ये देख सकते कितनी इजीली मैंने यहाँ पर डोरी पाइपिंग बनाकर तैयार कर, कर ली अब मैं इसको लगा के भी दिखाऊंगी फैब्रिक में तो आप पूरा वीडियो देखिए से so, यहाँ पे आपने देखा जो नॉर्मल फुट होता है उसके थ्रू भी आप कितने अच्छी तरह से डोरी पाइपिंग बना सकते हैं अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट करके ले लूँगी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे मैं कट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे अटैच करके दिखाऊँगी ब्लाउज़ का जो स्लीव्स होता है ना उसके कॉर्नर में आप इसे कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पर आप गले पर अटैच करते स्लीवस में मतलब जहाँ पर भी आपको पाइपिंग की ज़रूरत पड़े आप अटैच कर सकते हैं बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कॉमेंट करके बताए है और ट्राई कर रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप टैग कर सकते हैं सो so, यहाँ पे मैंने ब्लाउज का स्लीव्स ले ली हूँ स्लीव्स में इसको अटैच करने वाली हूँ और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक टिप भी दूंगी डोरी पाइपिंग आसान तरीके से कैसे बनाए डोरी पाइपिंग को आसान तरीके से अगर आपको बनाना है तो सिर्फ इसको मिडल में रख के नहीं आपको देखिए क्या करना है पीछे से थोड़ा सा पुल करना है मतलब आपको ब्लाउज़ को नहीं खींचना डोरी पाइपिंग को नहीं खींचना मतलब ऐसे पकड़ के स्ट्रेच करना है ताकि आपकी जो सिलाई है वो सीधी चले चाहे जब भी आप पाइपिंग बना रहे हो तभी या तो फिर आप ब्लाउज़ बना रहे हो तभी मतलब मतलब आपको फैब्रिक नहीं पुल करना है आपको इस तरीके से करना है ताकि आपके जो पाइपिंग पे जो कॉर्नर है उसी पे सिलाई चले तो हमारा जो पाइपिंग है वो कितनी अच्छी तरह से सुंदर तरीके से बन के तैयार हो गया और होप क्योंकि तो मेरा वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद है तो वीडियो, वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा मैं मिलूंगी इसी तरह से और एक ना इंटरेस्टिंग वीडियो के से.